मिलने के लिए तुमने अपनी गाड़ी का 2 आवर्स का पेट्रोल चलाया। सॉरी बट इससे ज्यादा थैंक यू। सुनो प्लीज ये टूर पीस की एक्टिंग मत करो। जब भी अपना फोन मम्मा को देती हूँ तो धक धक होता है यार, कहीं तुम्हारा उल्टा सीधा मैसेज ना आ जाए। जब वो उल्टे सीधे मैसेज करता तो ये सारी बकचोदी बंद करो ना। अनकॉल्ड फॉर एडवेंचर के लिए थैंक यू। ये मेरे घर में नहीं है वरना इसकी इतनी चप्पले चप्पले पड़ती ना कि इसका मुंह का थ्रिल सूझ जाता। बेस्ट फ्रेग्रेंस समझने के लिए थैंक यू। तुम्हारा परफ्यूम अच्छा लगता है और वो ये बात तुमको खुद बताता है। चूतिया काट रहा है वो तुम्हारा। सबसे ज्यादा प्रिटी समझने के लिए थैंक यू। थैंक यू तो ऐसे सीधे मुंह बोले नहीं जा रहा, बिना बात की बातें करी बड़ी है। मेकअप पसंद है वो याद रख के कहीं से भी ढूंढ निकाल के लाने के लिए थैंक यू। समझा, अगर वो तुमको कहीं से भी मेकअप ला के दे रहा है मतलब तुम समझ जाओ कि वो तुम्हें बिना मेकअप के नहीं देख सकता। अब यार तू जाके मेकअप करके आ। आपको बुरा लग गया? थैंक यू। अच्छा स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। ये चीज जब तक चल रही है जब तक उसे कोई और दूसरा नहीं मिल जाता। पर यही लड़की बाद में वीडियो बनाएगी मेरा काट के जाने के लिए थैंक यू, मेरा यूज करने के लिए थैंक यू ना, और सबकी जरूरत क्या है ये सब बोल के दोस्तों से दूर करने के लिए थैंक यू, जाते जाते मुझे मरने की इच्छा देने के लिए थैंक यू। वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज हम इन्हीं वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आज हम इन्हीं लेडी के ऊपर बात करने वाले हैं और क्रिंज के समंदर में और भी ज्यादा क्रिंज भरने के लिए थैंक यू। तुम्हारे साथ भी होता है क्या? तुम्हें बेमतलब बेवजह अपने बॉयफ्रेंड पे गुस्सा आ जाता है, मतलब कोई रीजन नहीं है। अपना अच्छा खासा डिनर चल रहा होता है, उसने कुछ कह दिया और तुम्हारा दिमाग फ्यूज उड़ चुका है और तुम उसे बता नहीं पा रहे और तुम्हें खुद को नहीं समझ आ रहा कि गलत क्या हुआ, इतना क्या गलत हो गया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन तुम्हें गुस्सा आ जाता है लेकिन तुम उस गुस्से को जाहिर भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें सीन क्रिएट नहीं करना, लेकिन तुम पैसिव अग्रेशन दिखाना नहीं छोड़ते। तो ये सब चीजें डॉक्टर को बताओ ना, या सोशल मीडिया पर कौन दवाई लेके खड़ा है जो तुम्हें दवाई देगा बेटा। तुम उसे बता नहीं पा रहे और तुम्हें खुद को नहीं समझ आ रहा कि गलत क्या हुआ। यही है टॉक्सिक लड़की, और बाद में ये लड़कियां जाकर रोना धोना करती हैं मेरे टॉक्सिक रिलेशनशिप। बार बताओ एक बात को बार बार घुमा घुमा के कौन बोलता है? तुम्हारा थोड़ा सा फ्यूज उड़ा हुआ है क्या? I'm sorry. मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और मुझे पता है कि तुम नहीं बोलते हो ज्यादा, लेकिन आई नो कि तुम्हें बुरा लगा है। इसका बॉयफ्रेंड भी लाइक नहीं लगा था मुझे बुरा, मेरे को इस बात का बुरा नहीं लगा। अब तू सोशल मीडिया पर वीडियो बना के क्यों डाल रही है? अब मेरे को बुरा लग रहा है, तूने ये वीडियो प्राइवेटली भी तो भेज सकती थी। तुम्हें कैसे ठीक करते हैं? एक मिनट में आई। एक मिनट में आ रही हो? इसका मतलब क्या? अगर कुछ भेजना हो तो पर्सनली भेजना, यहाँ यूट्यूब पे अपलोड अपलोड मत कर देना भाई, ऐसे लोग भाई सब कुछ बताना पड़ता, वरना ये लोग तो कुछ भी कर दे। अगर मैं एक चीज जो तुम्हारे लिए चाहती हूँ वो ये है कि भले ही तुम्हें मुझसे प्यार ना हो लेकिन कभी ना कभी तुम्हें किसी से तो प्यार हो, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ उतनी इंटेंसिटी से तुम किसी से प्यार करो, तब तुम्हें समझेगा कि मैं क्यों रोती रहती हूँ, तब तुम्हें समझेगा मैं क्यों क्यों मूव ऑन नहीं कर पाती। प्यार होता है तो वो आपको पूरी तरह चेंज कर देता है, पूरी तरह बदल देता है, आपको एक बेहतर इंसान बना देता है। अगर सामने वाला बेहतर हो तो तुम्हें बेहतर बनाता है, अगर सामने वाला चूतिया हो ना तो तुम्हारे भी लग जाते हैं। इसी ने तो थोड़ी देर पहले बोला मैं रोती रहती हूँ मूव ऑन नहीं कर पाती ये वो, इंटेंसिटी से तुम किसी से प्यार करो, तब तुम्हें समझेगा कि मैं क्यों रोती रहती हूँ, तब तुम्हें समझेगा मैं क्यों क्यों मूव ऑन नहीं कर पाती। आई होप एंजॉयड दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मैं जाके इसका चैनल भी डिलीट करके आता हूँ। रमेश गाड़ी निकाल, अभी चलते हैं।